अपनी खुन्नस को लेकर घर पर फेंका बम। घोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत भारी गांव के रहने वाले व खुद को बीजेपी नेता बताने वाले खलील अहमद उर्फ दुल्लर के द्वारा बताया गया कि उनके घर पर पुरानी खुन्नस को लेकर के कुछ लोगों ने सुबह 4 बजे के आसपास जान से मारने की नीयत से बम फेंका, लेकिन वह बाल बाल बच गए। उनके द्वारा बम फेंके जाने की सूचना घोरपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 1 महीने पहले भी उनके घर पर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा बम फेंका गया था, जिसमें उनकी बेटी के द्वारा बम फेंकने वालों को देखा गया था, लेकिन डर के मारे वह उनसे घटना के कई दिनों बाद उन लोगों का नाम बताया था। वहीं आज सुबह उनके घर पर की गई बमबाजी में उन्हीं लोगों का हाथ होने की आशंका उनके द्वारा जताई गई है, जबकि इस संदर्भ में घोरपुर पुलिस के द्वारा बताया गया कि मौके पर पहुंचने पर उन्हें कुछ रिपीट व छलरे मौके पर पाए गए हैं, लेकिन पीड़ित के द्वारा अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। सुनने में आया है कि आपके घर पर बम के द्वारा हमला हुआ है, तो आपको किसी के ऊपर शक है? इसके पहले थोड़ा दिन पहले एक हमला हुआ था हमारे घर के पास, बम फेंका गया, दूसरी मर्तबा हुआ है और एक अगली मर्तबा हमसे थोड़ा चूक हो गई थी। हमारी बच्ची ने उस लड़के को देखा था और हमको 2 दिन बाद बताई। हमें कुछ आदमी पर शक है, अभी हम चौकी इंचार्ज के पास जा करके नाम बनाम उनको अवगत कराएंगे। तो पुलिस को इस मामले में क्या रवैया था पुलिस? पुलिस ने आई, मौके की जांच करके मुझे 12 बजे बुलाई है, 12 बजे उनके पास जाऊंगा। घटना कितने बजे की है? घटना लगभग 4 बजे की है, आज सुबह की। सुबह तो उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? उस टाइम हम संडास में थे, बच्चे हमारे उठ रहे थे, इसलिए बच्चे हमारे बहुत सुबह उठते हैं, बच्चे हमारे बाहर नहीं निकले थे, तभी आवाज़ आई है तो मोहल्ला काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, हम लोग भी निकले तो किसी ने देख नहीं पाया। भागते हुए लोग बताते हैं देखा है, जब पुलिस के नाम सुन लिए तो बोल रहे हैं कि नहीं देखा हूँ। आपको क्या नाम है? खलील अहमद उर्फ दुल्लर।